पूछा था कि T20 वर्ल्ड कप 2024 का जो हुआ है इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन थे। तो भारत की बात करेंगे कि हर एक देश के अलग अलग ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे, तो युवराज सिंह को बनाया गया था, ठीक है। और चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था, तो 23 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3। याद रखिएगा ये भारत का चंद्रमा का मिशन था जो सफल भी हुआ था, ठीक है। और भारत दक्षिणी ध्रुव वहाँ का दक्षिणी केंद्र है वहाँ पे पहुँचने वाला ये पहला देश भी बना था। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो 31 मई को मनाया जाता है। मैंने दिवस वाली जो वीडियो डाली है कुछ दिन पहले की, उसमें ये सभी की वीडियो कराए क्वेश्चन कराए गए थे। इसके बाद से है कि विधानसभा को भंग कौन कर सकता है, तो ये भी क्वेश्चन आपका पार्टी जब चलाया गया था उसमें बताया गया था, तो राज्यपाल हो जाएगा। कि विधानसभा को कौन भंग कर सकता है, भैया राज्यपाल। जैसे लोकसभा है आपका, इसको कौन भंग कर सकता है, तो भारत के राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कार्यपालिका का अध्यक्ष यही होते हैं, तो इसे ही राज्य के कार्यपालिका का अध्यक्ष राज्यपाल होता है, तो ये क्या कर सकते हैं, तो विधानसभा को भंग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपके पुस्तक से कि स्प्रिज ऑफ द लॉज पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, तो मॉन्टेस्क्यू हो जाएंगे, मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। इसके बाद से है कि अस्पृश्यता का अंत संबंधी अनुच्छेद, ये तो जस्ट मैंने कल ही क्वेश्चन में करा दिया था, ठीक है, अनुच्छेद 17। इसके बाद से है कि DRDO की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1958 को हुई थी, ठीक है। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है आपका, है ना, भारतीय सुरक्षा वाला DRDO जो बनाता है टैंक मिसाइल है। अस्पृश्यता का अंत, ये भी देखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको लगभग 10 से 20 बार तो बता ही चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद से आया था कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। देखिए हीराकुंड बांध की बात करेंगे तो महानदी पर स्थित है और उड़ीसा स्टेट में, ठीक है, उड़ीसा में स्थित है महानदी पर। इसके बाद से पूछा था मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे से, जस्ट कल के क्वेश्चन में मैंने ये क्वेश्चन बताया था आपके, सिंधु नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद से है कि धौलावीरा का संबंध आपके किस राज्य से है, तो कुछ दिन पहले वीडियो बनाई गई थी उसमें गुजरात से हो जाएगा, ठीक है। भारत की साक्षरता दर, ये भी क्वेश्चन आपको बता दिया गया था, 74.04% आपके भारत की साक्षरता दर है। धौलावीरा गुजरात में हो जाएगा, सिंधु नदी किनारे मोहनजोदाड़ो स्थित है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन सभी बताए गए हैं साथियों, सभी क्वेश्चन हीराकुंड बांध से लेके, ये देखिए सारे क्वेश्चन फंसे हुए हैं हमारे चैनल के माध्यम में जो चलाया गया था बिहार पुलिस कांस्टेबल का बैच, ये सभी क्वेश्चन फंसे हुए हैं, ठीक है, देख लीजिए। झूठ बोल रहा हूँ तो जाके एक एक वीडियो देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन फंसा हुआ है, 8 सितंबर को मनाया जाता है। विनेश फोगाट का संबंध हो जाएगा, तो ये कुश्ती हो जाएगा, क्योंकि हाल ही में इनको वजन के कारण इनको फाइनल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी। अनुसूची 7 में कितने विषय दिए गए हैं, तो ये वही है 3, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है, ये आपके अनुसूची 7 में सम्मिलित है। बंगाल का विभाजन, जस्ट ये भी क्वेश्चन बताया था, 1905 में लॉर्ड कर्जन। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था, फिर 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने जब आए भारत तो इसको फिर से एकीकृत कर दिया। ये क्वेश्चन जो है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, 24 तारीख के वीडियो वाले में आपको बताया गया था, तो उपराष्ट्रपति हो जाएगा। और ऑपरेशन फ्लड, ये दोबारा से पूछ लिया, इसका संबंध हो जाएगा तो आपके दुग्ध के उत्पादन से, ऑपरेशन फ्लड यानी, ठीक है, श्वेत क्रांति से हो जाएगा। संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है, ये भी क्वेश्चन रिपीट किया है, तो ये क्वेश्चन तो बताया गया था ऑलरेडी आपको, अनुच्छेद 368, ठीक। GST से एक आ गया था कि GST किस संविधान संशोधन के, अरे यार ये तो 24 तारीख के में ही चलाया गया था, 24 तारीख के, देखिए 24 तारीख का जो बंदा देख के गया होगा वीडियो ना, कम से कम 10 से ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन फंसे थे उससे, तो 101वें संविधान संशोधन के अंतर्गत GST का वो किया गया था, 101वें संविधान संशोधन के अंदर GST को लाया गया था, ठीक है। भारत का बीमारू राज्य कौन हो जाएगा, तो वही आपका बिहार हो जाएगा। देख रहे हैं कितना क्वेश्चन फंसा है साथियों। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका बिहार हो जाएगा, ये तो क्वेश्चन कराया ही गया था ऑलरेडी बिहार वाले में। और बिहार का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला, ये सभी क्वेश्चन कराए गए थे शिवहर, सभी क्वेश्चन जितना बिहार आय से आया था क्वेश्चन कल में, वो सभी क्वेश्चन आपको करा दिए गए थे बिहार समग्र अध्ययन में, ठीक है। सारे के सारे, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछा है साथी हूँ, सारा का सारा बिहार समग्र अध्ययन जो मैं बनाया था वीडियो, उससे टोटल क्वेश्चन आपका फंसा हुआ है, ठीक है। जाके अगर जो मैं झूठ बोल रहा हूँ तो वीडियो देख सकते हैं, आपको बताया गया कि नहीं। अभी देखिए ककोला जलप्रपात, ये भी जस्ट मैंने 2 से 3 दिन पहले ही, 18 तारीख का जो एग्ज़ाम था उससे पहले मैं ये सभी चीज़ें करवा दिया था, तो बिहार, बिहार के नवादा जिले में। इसके बाद से है कि बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा हो जाएगा, तो कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, ये भी क्वेश्चन मैं करा दिया था ऑलरेडी आपके लिए। गांगेर, देखिए ये तीनों क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन, ठीक है, पांचवा क्वेश्चन, ये सब बिहार से जितना आप करा चुका हूँ मैं,
गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य किस राज्य में? एकमात्र गंगा डॉल्फिन अभयारण्य वही आपके भागलपुर में, ये जस्ट मैं करा चुका हूँ। नहीं अगर जो विश्वास होगा साथियों, तो आप वीडियो देख सकते हैं जितना बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए दिया गया है, आप मान जाएंगे कि हाँ भाई सारे क्वेश्चन फंसे हैं। भीमबाध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित हो जाएगा? तो ये मुंगेर में हो जाएगा। बिहार का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन हो जाएगा? तो ये आपका पूर्णिया जिला हो जाएगा। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन आए हैं साथियों। अगर कोई बंदा नहीं विश्वास मान रहा है तो जाके हमारी जो वीडियो दी गई है बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए देख सकता है। अगर जो उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आए तो नाम बदल देना भैया। नेक्स्ट है, बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो शेखपुरा हो जाएगा। एकदम फंसा हुआ क्वेश्चन। राष्ट्रपति बनने से पहले रामनाथ कोविंद किस राज्य के गवर्नर थे? भैया ये हम नहीं बताए थे, हम झूठ क्यों बोले हैं ना, तो बिहार के गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल सॉरी राज्यपाल। सोनपुर मेला बिहार के किस जिले में लगता है? तो सारण में। सबसे बड़ा एशिया का पशु मेला लगता है यहाँ पे। हीरा का अपवर्तनांक, ये तो जस्ट मैंने साइंस वाले में करा दिया था, 2.42 हो जाएगा। ठीक है, सोडियम सल्फेट का भी मैं रासायनिक सूत्र बता ही दिया था, Na2SO4। Na2SO4 सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है। क्या होता है साथियों? Na2SO4। पानी का अपवर्तनांक ये भी बताया था मैं, 1.33। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। इसके बाद से है, ग्लाइकोजन कहाँ पाया जाता है? तो लीवर और मांसपेशियों की कोशिकाओं में। इतने क्वेश्चन हमें मिला था जो आपके समक्ष मैं रखा हूँ। बाकी जो आपका 28 तारीख को एग्ज़ाम है ना, तो 28 तारीख के लिए स्पेशल जो बैच आपको 2 से 3 दिन की दी जा रही है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, जब भी आपके पास वीडियो जाएगी देख लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और उस पर काम जारी है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा।